सोगा so इसे आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप जो अपने मोबाइल में जो है ओरिजिनल आधार कार्ड अगर आप जो है डाउनलोड करना चाहते हो मोबाइल से तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है कर सकते हो तो चलिए मैं आपको बता दें क्या करना होगा तो इसके लिए आपके अपने मोबाइल फ़ोन में जो है क्रोम ब्राउजर को आपको कुछ इस प्रकार आपको जो है करंट में आपको जो ओपन करना होगा ओपन करने के बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में देखने को आ जाएगा और आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना होगा और आपको सर्च करना होगा यू आई डी ए आई आप जब डायरेक्टली सर्च करोगे इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली जब सर्च करोगे तो आप में कुछ इस तरह का इंटरफेस आप में करंट में खुल के आ जाएगा जैसे आप इस समय देख सकते हो अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पर क्या गया लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए तो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो अपनी लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा तो हम जो इंग्लिश लैंग्वेज को आपको करंट में सेलेक्ट कर लेना होगा तो हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में करेंट में देखने को आ जाएगा इसके बाद होगा क्या कि आपको जो है नीचे स्वेप करना होगा जब आप नीचे स्वेप करोगे तो यहां पर ऑप्शन लिख के आ जाएगा गेट आधार का जब आप इस वाले ऑप्शन पे यहां पर जब गेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देख लीजिए जो इस गेट आधार वाले ऑप्शन पे यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा जब आप गेट आधार वाले ऑप्शन पे यहां पर क्लिक कर दोगे क्लिक करने के बाद आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन आप, तो आप में करंट में देखने को आ जाएगा अब इसके बाद यहां पर जब आप नीचे स्वाइप कर दोगे तो यहां पर ऑप्शन लिख के आ जाएगा डाउनलोड आधार का जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो यहां पर होगा क्या कि आप में करंट में देख सकते हो अभी आप में जो है कुछ इस तरह का ऑप्शन आप में खुल के आ जाएगा इसके बाद यहां पर आपको नीचे स्वाइप करना होगा और यहां पर ऑप्शन लिख के आ जाएगा डाउनलोड आधार का जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे अब हो गए क्या कि आप अपने जो है आधार कार्ड का जो भी नंबर है आपको नंबर को तो जैसे आप करंट में देख सकते हो हमने जो अपने आधार का नंबर डाल लिया इसके बाद आपको कैप्चा कोड ये वाला जो आपको फिल कर देना होगा अगर आपको कैप्चा कोड नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर आप चेंज करके दूसरा कैप्चा कोड यहाँ पर कर सकते हो इसके बाद यहाँ ऑप्शन लिख के आ जाएगा सेंड ओ का जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर होगा क्या कि आपके जो है आधार कार्ड में जो भी नंबर लगा होगा उस पर जो ओ जाएगी और ओ को आपको यहाँ पर जो है फिल करना होता है तो आपको उस को यहाँ पर आपको जो है फिल कर देना होगा तो डायरेक्टली आप देख सकते हो जो हमारे आधार कार्ड से नंबर लिंक था उस नंबर पर जो ओटीपी हमने यहाँ पर फिल कर दिया फिल करने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे इसके बाद हो गया क्या कि आपका जो आधार कार्ड जो है करंट में आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा करंट में देख सकते हो आपका आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो गया और ऊपर मैसेज भी लिख के यहाँ पर आ गया डाउनलोड हो गया अब आपको करना क्या होगा आपने इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप में कुछ इस तरह का ऑप्शन लिख के आ जाएगा अब यहाँ पर आपको जो कोड मांगता तो आपको करना क्या होगा आप अपने नाम को जो है मतलब फोर रंग का आपको कैपिटल लेटर में आपको डालना जैसे अपने नाम को हम जो है कैपिटल लेटर में जो है है उसे डाल देते हैं इसके बाद आपको जो है ईयर को डालना होगा कौन से आपके ईयर में आपका जो है जन्म हुआ जैसे 2006 में हुआ तो 2006 डालिएगा 2004 में हुआ तो 2004 डालिएगा तो हमारा 2006 में हुआ था तो हम 2000 हज़ार यहाँ पर जो है छः यहाँ पर फिल करते हैं इसके बाद हम यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डायरेक्टली करंट में देख सकते हो हमारा जो आधार कार्ड है डायरेक्टली आप करंट में देख सकते हो तो यहाँ पर जो है डाउनलोड हो गया तो ऐसे आप बहुत आसान तरीके से अपने मोबाइल से जो है किसी का भी आधार कार्ड ऐसे आप जो डाउनलोड कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद